आजकल की दुनिया में जब हर आदमी अकेला हो गया है करीब करीब, प्लांट को रोज पानी, मतलब हर दो रोज जो है गुड़ाई करिए, पानी दीजिए, उनसे उनसे जो है उनकी देख रेख करिए, तो आपको एक गुड फील आएगा। कहना अगर 500 स्क्वायर फीट हमारे पास जगह है टेरेस पे, तो हम लोग अपना खुद को खा सकते हैं, एक दो लोगों को और भी दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को। अपनी आने वाली पीढ़ी को हम किस तरह का वातावरण देना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, और इस दिन हम लोग खड़े हैं एक नर्सरी में, क्योंकि पर्यावरण का मतलब हुआ पेड़ पौधे जीव जंतु उन सबको संरक्षित करना। तो भैया पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने हमको टाइम दिया। थैंक यू, आपने टाइम दिया और आपने हमें विजिट किया जी, वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट जी। थैंक यू सो मच भैया। बेसिकली जैसे आप जानते हैं कि आजकल हम लोग पेंडेमिक में गुजर रहे हैं, right. और एनवायरमेंट के बारे में हम लोग अपना सोच विचार जो है बदल रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा दिन है आज का दिन पर्यावरण के लिए, और हम पर्यावरण दिवस केवल एक दिन ना मनाएं, मेरे हिसाब से रोज मनाना चाहिए हमें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भैया जैसे हम लोग एक तरह से कंक्रीट जंगल में रहते हैं, तो कंक्रीट जंगल में लोग किस तरह के पौधे उगाएं, जैसे इंडोर प्लांट्स होते हैं या नासा के एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होते हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, कौन कौन से प्लांट्स लोग ले सकते हैं। देखिए वैसे भी गूगल में बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट पड़ा है जी, लेकिन गूगल में कंटेंट जो पड़ा हुआ है उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो जिस रीजन में रहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, राइट राइट, तो हमको थोड़ा जानकारी ये भी होनी चाहिए कि कौन से प्लांट्स ट्रॉपिकल प्लांट है, कौन से प्लांट टेम्परेट जोन के हैं, कौन से प्लांट जो है वो कोल्ड रीजन के लिए है, ड्राई रीजन के लिए। ओके, तो उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जो गूगल में कंटेंट है उसमें हर तरह के प्लांट्स दिए गए हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हमारे क्लाइमेट में, हमारे एनवायरनमेंट में कौन से प्लांट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सकते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। तो अब जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को कैसे प्लांट्स लगाने चाहिए, जो एयर प्योरीफाइंग या इंडोर प्लांट्स? हाँ, अपने यहाँ अधिकतर जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है, राइट राइट राइट, वो हॉट एंड ड्राई होता है, और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में हमको इंडोर और आउटडोर दोनों प्लांट अलग अलग तरीके हैं। इंडोर प्लांट में ऐसे प्लांट जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, है ना, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो और जिनको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत कम हो, है ना, तो ऐसे ही प्लांट यहाँ पे हमारे अच्छे चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। आप इसमें जैसे स्नेक प्लांट जिसे कहते हैं, तो सेंसिटिव, आइए हम लोग चलते हैं स्नेक प्लांट के पास। ये रीजन है आएगा स्नेक प्लांट का आपका जी। अब ये स्नेक प्लांट है, सेंसेवेरिया इसे कहते हैं, ये स्नेक प्लांट है। अब स्नेक प्लांट जो है वो नासा द्वारा जो है बताया गया है कि इट इज़ द मोस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट, है ना, और एक ऐसा पेड़ है जो रात में ऑक्सीजन जनरेट करता है, और इंडोर में दिस इज द ओनली प्लांट विच जनरेट ऑक्सीजन इन नाइट, सो इट्स बेस्ट प्लांट टू कीप इट इन योर बेडरूम, है ना, वेर यू स्लीप, वेर यू स्टे इन द नाइट, so that the air is purified and we generate more and more oxygen in that area. Right, तो oxygen से हम लोग जो अभी पिछले कुछ दिनों में लखनऊ में जो oxygen की जो कमी हुई थी वो भी याद आता है, तो ऐसे अगर हम लोग plants लगाएंगे तो वो जो कमी हुई थी उसको थोड़ा सा तो fulfill कर पाएंगे, although basically it's more about building up your immunity, right, है ना, तो जितना आप plant अपने घर में लगाएंगे, जितना आप अपने environment को स्वच्छ रखेंगे, right, right, है ना, right. उतना ही आपकी immunity build होने में आपको help मिलेगा, help मिलेगा। तो स्वच्छ आपने बोला, तो कुछ ऐसे plants बताइए जो air को purify भी करते हो। हाँ, एक तो मैंने sansevieria बता दिया, right. इसके अलावा spider plant, okay, है ना, ये स्पाइडर प्लांट है। हाँ हाँ। इसका साइंटिफिक नेम है स्पेसिफाइड क्लोरोफाइटम, क्लोरोफाइटम, राइट, या इसका इसका इसका, तो इसमें जो है आई गेस इनकी पत्तियों में भी ये निकलता है। हाँ, इनकी ये मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। ओके, ठीक है ना, तो इसको आप किसी हैंगिंग में अच्छे से लगा के आप इसको बहुत खूबसूरती से जो है डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट, तो दिस इज ऑल्सो एयर प्यूरिफायर प्लांट। ओके, ठीक है ना, इसके अलावा आपके पाम्स हैं। ओके, एरिका पाम, राइट, एरिका पाम देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। एरिका पाम आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर पे आप लगा दीजिए, राइट, अच्छे से गमले में,
तो एक ब्यूटिफिकेशन भी बढ़ जाती है और दूसरा इट्स अ एयर प्योरीफायर प्लांट, ओके, है ना, इट प्योरीफाइज एयर, ठीक है। तो एरिका पाम है आपका, क्लोरोफाइटम हो गया आपका, सेंसिवेरिया हो गया, सेंसिवेरिया हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा ये जीजी प्लांट है, ओके ओके, जीजी प्लांट, हाँ, तो दिस इज ऑल्सो एयर प्योरीफायर प्लांट, ठीक है, ठीक है ना। And it is also an indoor plant. Okay. तो indoor में अगर आप table top की तरह use करना चाहते हैं, कहीं पे table के ऊपर रखना चाहते हैं, तो आप ये रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना, Azizi plant. उसके अलावा एक plant जो सबसे ज़्यादा worldwide famous है। Famous है। Peace lily. Peace lily. Okay. इसमें flowers भी आते हैं। हाँ, इसमें ये flower आता है। This is the only plant जो indoor में भी flowering करता है। Okay. Okay. बाकी सारे plants जो है वो उनको सनलाइट चाहिए, उनको धूप चाहिए होती है यहाँ पे फ्लावरिंग के लिए, ओके, बट ये इंडोर रख सकते हैं और इसमें फ्लावरिंग आएगी इंडोर में भी, ओके। तो इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ा सा काफी अच्छी से लग रही हैं, इनकी लीव्स मल्टीपल कलर्स में आती हैं। हाँ, इसमें कई कलर्स के होते हैं, जैसे ये पिंक कलर है, उधर व्हाइट कलर लगा हुआ है, देखिए, ठीक है ना, उधर व्हाइट कलर लगा हुआ है, इसमें कई कलर्स आते हैं, पिंक है, व्हाइट है, ग्रीन है। काफ़ी सारे लोग हैं जो अवेयर हैं प्लांट्स को लेकर या पर्यावरण को लेकर। फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई जो ये वीडियो पहली बार देख रहा हो, इन प्लांट्स के नाम पहली बार सुन रहा हो, तो वो जानना चाहेगा कि इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, क्या इसको उगाना या रखना, मेंटेन करना महंगा तो नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा कॉस्टिंग के बारे में हमको प्लांट्स के बारे में बताएं। देखिए, कॉस्टिंग प्लांट में अगर आप मतलब अगर अपने सेहत को लेके आप थोड़ा भी जो है अवेयर हैं, ठीक है ना, तो सेहत बनाने के लिए आजकल लोग कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये सेहत के साथ साथ आपके घर को भी ब्यूटीफाई करता है, घर को भी प्यूरीफाई कर रहा है, हमारी सेहत के साथ हमारे घर की भी सेहत को इंप्रूव करता है ना। राइट, राइट। तो इसलिए मेरे हिसाब से पैसा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, फिर भी अगर आप एक रेट जानना चाहेंगे तो प्लांट जो है 100 रुपीज से स्टार्ट होके, ठीक है ना, और 500-600 रुपए हर रेंज में प्लांट है अवेलेबल। एक नॉर्मल आदमी आराम से 100 रुपए से 500 रुपए तक के प्लांट अफोर्ड कर सकता है, तो उसमें उसको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी, जो एयर प्यूरिफायर भी है और जिसको वो इंडोर रख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 100 या 500 रुपए या 1000 रुपए लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं पर मंथ मे बी, और अपने क्लोथ्स में या बाहर आउटिंग पे खाने पीने में। तो उसकी बजाय जो है आज हम लोग, हम दोनों लोग या हम सब लोग आपको ये संदेश देना चाहेंगे कि वो पैसे वहाँ बचा के प्लांट्स में लगाएं, अपने पर्यावरण को स्वस्थ, अच्छा अच्छा खाना घर का खाइए जी, और प्लांट्स लगाइए जो बाहर आप खाने में जो पैसे वो करते हैं। हाँ, एक महीने में एक बार आउटिंग फैमिली की होनी चाहिए, वो ठीक है, बट रादर देन गोइंग एवरी वीक आउट, यू बाय सम प्लांट विथ योर चिल्ड्रेन, राइट, अपने बच्चों को साथ लेके जाइए नर्सरी में, वो भी तरह तरह के प्लांट्स देखेंगे, और उनको भी थोड़ा प्लांट की नॉलेज होगी, उनके साथ मिलके प्लांट खरीदिए तो उनको भी आदत वो अच्छी लगेगी। राइट राइट, ठीक है ना, जब उनको आदत लगेगी तो आप एक फ्यूचर जनरेशन को भी प्लांट की इम्पोर्टेंस बता पाएंगे। बिल्कुल से। तो भाई, हम लोगों ने खाने पीने की बात की, तो अब एक जो दूसरा सवाल आता है इन्वायरमेंट को लेकर, जो यूरिया, पेस्टिसाइड्स या अदर केमिकल्स यूज होते हैं जो सीधे हम लोग खाते हैं तो हमारे अंदर जाते हैं, तो खाने को कैसे हम लोग उगा सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताएं, स्पेशली ऐसे लोग जो मे बी फ्लैट्स में रहते हों या मे बी जो छोटे घरों में रहते हों, तो हम उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फ्लैट्स में तो बहुत कम वैसे एरिया रहता है, है ना, हाँ ये है, फिर भी आपके पास अगर 2 बालकनी है, हाँ, ठीक है ना, तो मान लीजिए एक बालकनी अगर 100 स्क्वायर फीट की बालकनी है आपकी, या 50 स्क्वायर फीट 60 स्क्वायर फीट की बालकनी है, तो आप उसमें भी, और उसमें अगर सनलाइट ठीक ठाक आ रही है, तो आप आराम से बड़े गमलों में जो है, और या फिर आजकल ग्रो बैग्स आ गए हैं, ग्रो बैग्स में आप जो है वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। हाई डेंसिटी पॉली, अच्छा जितनी भी धूप लगे ये खराब नहीं, अच्छा ओके ठीक है, इसमें हम ग्रो कर सकते हैं, इसमें कुछ भी आप इसको अलग अलग साइज के होते हैं, उसमें आपको कुकीट भर के आप इसमें कुछ भी प्लांट कर देंगे, आप इससे तो आप
जैसे जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, है ना, आप आलू और प्याज एक बल्क में बाजार से खरीद सकते हैं, और सीजनल जो वेजिटेबल है जैसे भिंडी हो गई, जैसे पर ये इसे कहते हैं तरोई हो गई, ग्रीन और, लीफी हाँ, और बैगन हो गया, है ना, और धनिया हो गया, ये सब आप आराम से ग्रो बैग्स में ग्रो कर सकते हैं, है ना। और उसमें जब आप खुद ग्रो कर रहे हैं तो उसे ऑर्गेनिकली भी आप डेवलप मतलब ग्रो कर सकते हैं। मैंने कई घरों में मैंने टेरेस गार्डन में डेवलप किया है, टेरेस गार्डन डेवलप किए हैं, जहाँ पे उन्होंने उनका 1,000 square feet का अगर टेरेस है तो उन्होंने 400-500 square feet केवल वेजिटेबल ग्रो करने के लिए लगाए हुए हैं। और वो खुद अपना वेजिटेबल कर रहे हैं, और उसके अलावा आसपास के अच्छा 2-3 घरों में भी वेजिटेबल, मतलब आपका कहना है अगर 500 square feet हमारे पास जगह है टेरेस पे तो हम लोग अपना खुद को खा सकते हैं, एक दो लोगों को और भी दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके पास इतनी जगह है तो आप वेजिटेबल्स उगाएं, फ्लावर्स उगाएं। अच्छा भैया, चलते चलते एक लास्ट जो मैसेज आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, तो वो क्या होगा? एनवायरनमेंट को सही रखना ये हमारे हाथ में है, ये हमारे ऊपर है कि हम एनवायरनमेंट को किस तरह का रखना चाहते हैं, और अपनी आने वाली पीढ़ी को हम किस तरह का वातावरण देना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो अगर हम एक दिन इस एनवायरनमेंट डे को ना मना के अगर जो है कम से कम हफ्ते में एक बार मनाएं, ठीक है ना, तो आगे चल के हम अपने बच्चों को एक स्वस्थ एनवायरनमेंट दे के जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज, जब आपके घर में आसपास आप पेड़ पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो उससे आपका जो इनर जो हैप्पीनेस है, हाँ हाँ, वो बढ़ती है, वो बढ़ती है, है ना। आप जब फूलों को खिलते हुए देखते हैं तो एक खुशी आपके मन में स्वाभाविक आती है, ठीक है ना। तो आजकल की दुनिया में जब हर आदमी अकेला हो गया है, करीब करीब हम अपने अपने घरों के अंदर सीमित हो गए हैं, तो इट्स बेटर टू गिव सम टाइम टू प्लांट्स, है ना। आप कनेक्ट एज़ योर कंपेनियन, हाँ, हाँ, आप प्लांट को रोज पानी, मतलब हर दो रोज जो है गुड़ाई करिए, पानी दीजिए, उनसे उनसे जो है उनकी देख रेख करिए, तो आपको एक गुड फील आएगा, ठीक है। मुझे याद है कि जब मैं बचपन में था तो उस समय पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ जाते थे, तो इतना हमें ना एसी की जरूरत होती थी, ना किसी चीज की जरूरत होती थी। तो आज हम उन दिनों को याद करते हैं, तो कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, कम से कम हम उनको वापस देके जाए ना। सही बात है, सस्टेनेबिलिटी, ठीक बात है। तो ये थे भैया हमारे साथ, मनीष भैया, जिन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर अपनी नर्सरी विजिट कराई, कुछ अच्छे प्लांट्स के बारे में बताया, और बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आज की डेट में जब सब लोग कई बार जो है अकेला फील करते हैं, तो इन प्लांट्स को आप गोद लें और इनकी नर्चरिंग करें, तो ये आपके दोस्त बन जाएंगे।